హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రాజీవ్ ఇన్ఫోటెక్. వీడియో స్టార్ట్ కనే సే పేలే ఆప్ లోగో కో యే బాత్ మే బతా దూం కి బహుత్ హి జల్ద్ ఝార్ఖండ్ హై కోర్ట్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామ్ కా నోటిఫికేషన్ ఆనే వాలా హై. జిన్ లోగో నే మేరే ఛానల్ కో అభీ తక్ సబ్స్క్రైబ్ నహీ కియా హై వో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కర్ లే, క్యూంకి మేనే ఝార్ఖండ్ హై కోర్ట్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామ్ జో హోనే వాలా హై మేనే సారే టాపిక్స్ పే వీడియో బనాయా హై. तो आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं मेरे चैनल में आके, और जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड करूँगा, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोग उस वीडियो को देख नहीं पाएंगे, जो कि आप लोग के लिए शायद अच्छा ना हो, क्योंकि आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस कर सकते हैं. तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आज के इस वीडियो का टॉपिक है मैथ्स फॉर झारखंड हाईकोर्ट एग्ज़ाम. आइए तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मिक्सचर ऑफ 25 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 4:1. अनदर 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर. द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज. यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 25 लीटर का मिक्सचर में 4 पार्ट्स मिल्क है और 1 पार्ट वाटर है, और इसके बाद अगर 3 लीटर पानी और इसमें डाला गया तो नया जो रेशियो होगा मिल्क टू वाटर वो क्या होगा. ऑप्शन है 5:1, ऑप्शन बी 5:2, ऑप्शन सी 5:3 या ऑप्शन डी 5:4. और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि 5:2. तो आइए जान लेते हैं इसका आंसर 5:2 कैसे करके आया. तो सबसे पहले हम लोग दूध आखिर उस मिक्सर में है कितना वो निकाल लेंगे. तो उसके लिए हम जो हमें गिवन है, यानी कि मिल्क जो है वो उसका 4 पार्ट्स है, तो उसको 4 को 5 से डिवाइड कर देंगे, और यानी कि 4/5 × 25 करेंगे, तब हम लोग का आंसर 20 लीटर्स आ जाएगा. और अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग निकालेंगे, यानी कि 1/5 × 25, यानी कि 5 लीटर्स आ जाएगा. यानी कि टोटल 25 लीटर जो मिक्सचर है उसमें 20 लीटर हम लोग का दूध है और 5 लीटर हम लोग का पानी है. तो इस मिक्सचर में दोबारा से 3 लीटर पानी और डाला गया, यानी कि इस मिक्सचर में अभी टोटल 8 लीटर पानी हो गया है. तो अभी अगर हमको निकालना है कि मिल्क का रेशियो क्या है टू वाटर, तो मिल्क टोटल तो 20 लीटर ही रहा लेकिन पानी हो गया 8 लीटर, तो हम लोग उसका रेशियो निकालेंगे तो हम लोग आएगा 20:8. तो ये जब और कटेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5:2. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर्स इज 2160 एंड देयर एचसीएफ इज 12. द नंबर्स आर ऑप्शन ए 12,60, ऑप्शन बी 72,30 या ऑप्शन सी 36,60 या ऑप्शन डी 60,72. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम लोग के पास में 2-डिजिट नंबर है जिसको गुना करने पर हम लोग का आंसर आता है 2160, और अगर उसका एचसीएफ 12 है तो वो दोनों नंबर क्या होंगे. ऑप्शन है 12 और 60, ऑप्शन बी है 72 और 30, ऑप्शन सी है 36 और 60, और ऑप्शन डी है 60 और 72. और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि 36 और 60. इस टाइप का आंसर जानने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें सबसे पहले ऑप्शंस पे अपने नज़र दौड़ाने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन पे हमें ये दिया गया है कि दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पे आंसर हम लोग का आना चाहिए 2160. तो अगर हम ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में देखें तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हम लोग का आंसर आ रहा है 720 और 4320, यानी कि दोनों ऑप्शन ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचता है बी और सी. तो बी और सी दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर 2160 तो आ रहा है, लेकिन सिर्फ ऑप्शन सी में एचसीएफ 12 आता है और ऑप्शन बी में एचसीएफ 6 आ रहा है, यानी कि हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 36 और 60.
क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द डायगोनल्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो 5:2, द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज, यानी कि हमें बोल रहा है कि हम लोग के पास में दो स्क्वायर है जिनका डायगोनल का स्क्वायर 5:2 होता है, तो उनका एरिया का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो वो कितना आएगा। ऑप्शन है 5:6, ऑप्शन बी 25:4, ऑप्शन सी 5:4 या ऑप्शन डी 125:8। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि 25:4। आइए जान लेते हैं ये आंसर कैसे करके आया। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए सबसे पहले हम लोग स्क्वायर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर डी वन हो जाएगा हम लोग का साइड इंटू रूट टू, जिससे कि हम लोग का साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि उसका आंसर होगा डी वन बाई रूट टू। वैसे ही साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर भी आ जाएगा, यानी कि डी टू बाई रूट टू। तो अगर अभी हम एरिया निकालें दोनों साइड का, तो साइड ऑफ ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला वो है साइड स्क्वायर, यानी कि हम लोग ने साइड माना था ए वन और ए टू, तो दोनों का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, यानी कि ए वन स्क्वायर बाई ए टू स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा डी वन बाई रूट टू होल स्क्वायर, वैसे ही बाई डी टू बाई रूट टू होल स्क्वायर। तो इसमें हम लोग का रूट टू और रूट टू कट जाएगा और हम लोग के पास बचेगा डी वन स्क्वायर बाई डी टू स्क्वायर। तो डी वन हम लोग का था 5 और डी टू हम लोग का था 2, तो दोनों का स्क्वायर निकालेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 25:4, यानी कि 25:4 हम लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज राइट एंगल, D is the midpoint of the side AC if AB is equal to 6 cm, BC is equal to 8 cm, then the length of BD is। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है जिसका राइट एंगल एंगल B में है और D उसका मिड पॉइंट है साइड AC का, इसमें AB हम लोग का है 6 cm और BC है 8 cm, तो BD का लेंथ क्या होगा। ऑप्शन ए है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 8 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 12 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो आइए जान लेते हैं ये आंसर कैसे करके आया। तो सबसे पहले हम लोग फिगर को देखेंगे। फिगर में आप लोग देखिए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल बी में उसका 90 डिग्री है और डी हम लोग का मिड पॉइंट है, यानी कि बी डी हम लोग का मीडियन हो गया, जिससे कि ए डी और डी सी दोनों बराबर होते हैं। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी का, यानी कि ए सी का लेंथ निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ए सी हम लोग का हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि ए बी हम लोग का 6 और 8 है तो उसको उसमें डालेंगे 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो सिंस डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी कि डी मिड पॉइंट है ए सी का, तो हम लोग का ए डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा, यानी कि ए सी इक्वल टू डी सी हम लोग का 5 सेंटीमीटर आएगा। तो सिंस बी डी इज़ द मीडियन, क्योंकि बी डी मीडियन है, तो बी डी और ए डी और डी सी ये तीनों बराबर होंगे, तो किसके बराबर होंगे, 5 सेंटीमीटर के बराबर होंगे, तो हम लोग का आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन अ फर्म वाज रुपीज 5200 एंड दैट ऑफ फीमेल्स वाज रुपीज 4200, द मीन सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज वॉज रुपीज 5000, वाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेल एम्प्लॉय का जो एवरेज सैलरी है एक कंपनी में वो है 5200 और फीमेल एम्प्लॉय का जो एवरेज सैलरी है वो 4200, लेकिन सबका सैलरी का अगर हम एवरेज करेंगे तो वो होगा 5000। तो इस क्वेश्चन के अनुसार फीमेल एम्प्लॉयज़ का परसेंटेज कितना होगा हमें ये निकालना है। ऑप्शन ए है 80%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 40% या ऑप्शन डी है
30%। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि 20%। तो आइए जान लेते हैं ये आंसर कैसे करके आया। तो मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ हम लोग एक्स मानते हैं और टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ हम लोग वाई मानते हैं। तो अगर हम टोटल सैलरी निकालेंगे मेल और फीमेल दोनों का, तो हम लोग निकालेंगे इस तरह से, यानी कि 5200 इंटू एक्स प्लस 4200 इंटू वाई हो जाएगा हम लोग का 5000 इंटू एक्स प्लस वाई। इससे हम लोग अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग आंसर आएगा एक्स इक्वल टू 4y। तो हमें यहाँ पे फीमेल एम्प्लॉयज़ का परसेंटेज निकालना है। तो फीमेल एम्प्लॉय को हमने y माना था, तो परसेंटेज निकालने के लिए जो हम लोग करते हैं वही करेंगे, यानी कि y को 100 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है x प्लस वाई। तो अगर हम इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम लोग x को लिख सकते हैं 4y, जिससे कि हम लोग का डिनोमिनेटर हो जाएगा 5y, यानी कि y इंटू 100 बाई 5y। तो हम लोग का y, तो इसमें y कट जाएगा और बचेगा 100 बाई 5। तो 100 बाई 5 को अगर हम दोबारा सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 आवर्स इफ ही जॉइंड बाय बी हु इज 50% मोर एफिशिएंट, इन व्हाट टाइम दे विल फिनिश द वर्क टुगेदर। यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए एक काम को 25 घंटे में कर देता है, अगर उसके साथ बी भी मिल जाए जो कि उससे 50% मोर एफिशिएंट है, तो वो लोग दोनों मिलके उस काम को कितने घंटे में कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन ए है 12 आवर्स, ऑप्शन बी है 10 आवर्स, ऑप्शन सी है 3 आवर्स या ऑप्शन डी है 9 आवर्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि 10 आवर्स। तो आइए जान लेते हैं ये आंसर कैसे करके आया। मान लेते हैं कि ए का एक घंटे का काम 1 यूनिट है, इसका मतलब टोटल वर्क हम लोग का हो जाएगा 25 यूनिट्स। सिंस बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए, यानी कि 50% जो बी है वो ए से 50% मोर एफिशिएंट है, इसका मतलब वो एक घंटे का काम उसका बी का निकलेगा 1.5 यूनिट्स। तो एक घंटे का काम अगर ए और बी दोनों मिला के करेंगे एक घंटे में, तो हम लोग का आंसर आएगा 1 + 1.5, यानी कि 2.5 यूनिट्स। तो अगर दोनों मिलके करेंगे उस काम को, यानी कि हम लोग का टोटल काम है 25, तो अगर दोनों मिलके करेंगे तो हम लोग उसको लिखेंगे इस तरह से 25 / 2.5, यानी कि दोनों मिलके एक घंटा का काम 2.5 में करते हैं, तो उसको 2.5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 10 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एवरेज रेवेन्यूज ऑफ 11 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स ऑफ ए कंपनी इज ₹69 लैक्स, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 ईयर्स इज ₹64 लैक्स एंड दैट ऑफ लास्ट 6 ईयर्स इज ₹76 लैक्स, व्हाट इज द रेवेन्यू फॉर द 6th ईयर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कंपनी का 11 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का जो रेवेन्यू है वो 69 लैक्स है, और उसका पहला 6 साल का रेवेन्यू होता है 64 लैक्स और लास्ट का 6 साल का रेवेन्यू होता है 76 लैक्स, तो उसका 6th ईयर का रेवेन्यू कितना होगा। ऑप्शन ए है ₹83 लैक्स, ऑप्शन बी है ₹79 लैक्स, ऑप्शन सी है ₹77 लैक्स या ऑप्शन डी है ₹81 लैक्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि ₹81 लैक्स। तो आइए जान लेते हैं ये आंसर कैसे करके आया। तो ये आंसर जानने के पहले सबसे पहले हम लोग उस कंपनी का टोटल 11 इयर्स का रेवेन्यू कितना था वो निकाल लेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम लोग 11 को 69 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग आंसर आएगा 759 लैक्स। उसका पहले 6 साल का रेवेन्यू, यानी उस कंपनी का पहले 6 साल का रेवेन्यू निकालने के लिए हम लोग 6 को 64 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग आंसर आएगा 384 लैक्स।
और उसका लास्ट का 6 साल का रेवेन्यू होगा 6 × 76 यानी कि 456 लाख। तो उसका 6th ईयर का रेवेन्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो उसका टोटल 11 ईयर्स का रेवेन्यू था यानी कि 759 को माइनस करेंगे और 456 और 384 के साथ, तो हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा यानी कि 81 लाख। क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाय 7% टू रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक आर्टिकल है उसका ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए उसमें 7% का डिस्काउंट दिया गया, फिर अगर डिस्काउंट देने के बाद उसको दोबारा से ओरिजिनल प्राइस में लेके जाया जाए तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट उसमें और किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए है 7%, ऑप्शन बी है 33.77%, ऑप्शन सी है 7.53% या ऑप्शन डी होगा 63.75%। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी कि 7.53%। तो आइए जान लेते हैं इसका आंसर कैसे करके आया। तो लेट सीपी बी ₹100, यानी मान लेते हैं कि सीपी 100 है, इस पर 7% का डिस्काउंट दिया गया यानी कि अभी उसका प्राइस हो जाएगा 93, फिर इसको ओरिजिनल प्राइस पे लेके जाना यानी कि ओरिजिनल प्राइस पे लेके जाने के लिए इस पर वापस ₹7 ऐड करना पड़ेगा, तो हमें इस ₹7 का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 × 100/93 करेंगे, जिससे हम लोग का आंसर आ जाएगा 7.526%, यानी कि 7.526% को हम लोग 7.53% भी लिख सकते हैं, जो कि हम लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बैग हैज ₹12.9 इन द फॉर्म ऑफ 1 rupee 50 paise एंड 10 paise कॉइन्स इन द रेशियो 3:2:3, हाउ मैनी 50 paise कॉइन्स आर देयर इन द बैग। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बैग में 12 rupees 90 paise हैं टोटल इन द फॉर्म ऑफ 1 rupee 50 paise और 10 paise इन द रेशियो ऑफ 3:2:3। तो इस बैग में टोटल 50 paise के कॉइन्स कितने होंगे, ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 12 या ऑप्शन डी है 3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी कि 6। तो आइए जान लेते हैं ये आंसर कैसे करके आया। तो सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ है उसको हम 3x 2x और 3x मान लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा 3x × 1 + 2x × 0.5 + 3 × 0.1 हम लोग का हो जाएगा 12.9, जो कि हम लोग को कहा गया कि टोटल 12.9 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 4.3x = 12.9, इससे कि हम लोग का x निकल के आ जाएगा 3, यानी कि नंबर ऑफ 50 paise कॉइन्स हो जाएगा हम लोग का 2x यानी कि 6। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1/sec A + tan A इज इक्वल टू, ऑप्शन ए cosecant A माइनस cot A, ऑप्शन बी है sin A माइनस tan A, ऑप्शन सी है sec A + tan A या ऑप्शन डी है sin A + cos A। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि sec A + tan A। तो इस टाइप का सम को करने के लिए हम लोग जो पूरा जो नंबर है इसको डिनोमिनेटर के साथ में डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हम लोग का जो डिनोमिनेटर वो sec A + tan A है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे sec A - tan A / sec A - tan A, जिससे कि हम लोग का आंसर आ जाएगा sec A - tan A / sec² A - tan² A। तो sec² A - tan² A का आंसर 1 होता है,
तो उसके जगह में हम लोग 1 बैठा देंगे, इससे हम लोग आंसर आ जाएगा sec a माइनस tan a। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।